अगर आप स्टूडेंट हो और ढूंढ रहे हो कुछ ऑनलाइन अर्निंग करने का, दोस्त बिल्कुल सही वीडियो पर आया। वीडियो लास्ट तक देखना, बने रहना मेरे साथ, क्योंकि मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ और मैं खुद भी अर्निंग कर रहा हूँ, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो मैं आपको इस वीडियो में ऐसे 5 तरीके बताने वाला हूँ जहाँ से आप बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, और ये सारी स्किल्ड बेस्ड रहेगी। कोई इसमें डिग्री की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई क्वालिफिकेशन, ना ही कोई एज मैटर करती है। तो ये चीज़ आप बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आ जाता है आपके सामने, यहाँ पर आ रहा होगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक ऐसी स्किल है जो ना, जिसे आपको पता होगा कि कोरोना के बाद से सारे बिजनेस ऑनलाइन हो चुके हैं, बहुत सारे बिजनेस हो गए हैं, तो उन लोगों को ना ऑनलाइन बिजनेस करते नहीं आता। ठीक है, अब जैसे शर्मा अंकल हो गए, पाटीदार अंकल हो गए, पटेल अंकल हो गए, उन लोगों को बिजनेस ऑनलाइन लेकर आ रहे हैं, तो उन लोगों को नहीं पता बिजनेस कैसे करना है। तो उनको ग्राफिक का आप काम कर सकते हैं। उन लोगों का बहुत सारे काम होते हैं ग्राफिक से रिलेटेड, पोस्टर बनाने के 1000-1500 रुपए लिए जाते हैं। अगर आप एक्सपर्ट हो उस चीज़ में तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं। और अगर जानना चाहते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स कहाँ पर मिलेगा, फ्री में, पेड में, सारी चीज़ आपको बता दूंगा, तो सब्सक्राइब कर लेना, आने वाली वीडियोज़ आपको उसी से रिलेटेड मिलने वाली है। तो ये हो गया ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अब मैं आपको बता दूँ एवरेज कितना अर्न कर सकते, वो 20-25 हज़ार रुपये ईजिली आप अर्न कर सकते हो एज एन पार्ट टाइम अगर आप देते हो तो। ठीक है, सर्विस सेल करके। अब जो दूसरा नंबर आ जाता है वो है वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग का बहुत स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर आप इसमें एक्सपर्ट बन जाते हो, आप मास्टर हो वीडियो एडिटिंग में, आपको सभी सॉफ्टवेयर चलाते आते हैं। देखो स्टार्टिंग में मुझे पता आपको नहीं आएगा, तो आप जीरो से स्टार्ट करो। मैं आज भी वीडियो काइंड मास्टर से अपलोड करता हूँ, कभी कभी कर लेता हूँ फिल्मोरा वगैरह में, वीडियो पैड वगैरह में, तो काइंड मास्टर से ही बहुत सारी वीडियोज अपलोड होती है। तो मैंने सीखा, ठीक है, मेरे को कुछ नहीं आता था, यूट्यूब पर सर्च करा, देखा कैसे करा, पर उस चीज़ में ना टाइम बहुत लगता है। वहाँ पर हमें डेडिकेटेड अगर कोर्सेज मिल जाता है कि ये कोर्सेज देखो और सीखो, तो वहाँ पर टाइम बच जाता है। अब मैंने वहाँ पर बहुत टाइम वेस्ट करा क्योंकि मेरे को एक एक चीज़ यूट्यूब पर सर्च करके देखना पड़ी। तो वीडियो एडिटिंग आप सीख सकते हैं, नहीं आते तो सीखो यार, खुद के लिए वीडियो बनाओ। ठीक है, वीडियो बनाओ, यूट्यूब पर डालो, उसको एडिट करो, प्रैक्टिस होगी आपकी, फिर दूसरों के लिए काम करो, तो वो कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग के लिए काम अगर ढूंढना चाहते हैं तो अब यहाँ पर लिंक आ रहा होगा वीडियो का, उस लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपको कहाँ पर काम मिलेगा। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, सारा जो कुछ भी डिजिटली काम कहां पर मिलेगा ये वीडियो में देख सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन का बहुत बड़ा क्रेज है, ट्रेंड चल रही है, ट्रेंडिंग चल रही है चीज़ें। अब बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे बिजनेस हैं जो चाहते हैं कि मेरा भी इंस्टाग्राम पर पेज हो, मेरा भी फेसबुक पर प्रोफाइल हो, यूट्यूब पर वीडियोज हो, उन लोगों को चाहिए कंटेंट भाई, और उनको कंटेंट बनाते नहीं आता। ठीक है, तो आपको आप उनके लिए कंटेंट बना सकते हो, आप उनके लिए वीडियो कंटेंट बना सकते हो, कैजुअल पोस्ट बना सकते हो, ठीक है, फीड डिज़ाइन, मतलब बहुत सारा कंटेंट आप उनके लिए बना सकते हो। अब उसके लिए चाहिए आपको आइडिया, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पहले ना प्रैक्टिस करना पड़ेगी, सीखना पड़ेगा कि कैसे, कि सबसे पहले तो एक काम करो, एक फील्ड या फिर एक नीच सेलेक्ट कर लो कि मेरे को एफिलिएट मार्केटिंग करना है, तो मेरे को इस चीज़ में पहले पूरी नॉलेज ले लेना है। 3-4 महीने लगेंगे, पूरी नॉलेज ले लोगे, अगर 3-4 महीने में काम भी आपने करना स्टार्ट कर दिया तो वैसे भी बहुत कुछ सीख जाते हो यार। तो ऐसा नॉलेज ले लो और फिर लोगों के लिए काम करो, ऐसा सर्विस सेल करो, फिर आगे चल के आपका बड़ा रूप होकर एजेंसी भी हो सकती है। उसके बाद आ जाता है यूट्यूब। यूट्यूब आज के टाइम पे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब से लोग बहुत अच्छे इनकम जनरेट कर रहे हैं। अब आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप यूट्यूब पर आ रहे हो तो आपका पर्पस क्लियर होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि मेरे को पैसा कमाने के माइंडसेट से अगर यूट्यूब पर वीडियोज बना रहे हो, यूट्यूब पर आ रहे हो, तो कभी ग्रो नहीं करोगे। जब तक आप दोगे नहीं, जब तक आप वैल्यू नहीं दोगे, तब तक आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। तो कुछ देने के लिए ही यूट्यूब पर आना, ठीक है, आपको टाइम लगता है यूट्यूब पर, एक दो साल देना पड़ता है। आजकल तो खैर यार सब किस्मत के ऊपर है, सब ऑर्गेनिक काम होता है। आपने पर कम से कम अगर आप यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हो तो आपके पास 100 वीडियो का कंटेंट रेडी होना चाहिए, मतलब आपके पास 100 टॉपिक तो लिखे हुए होना चाहिए, ठीक है, जो आप बना सको आगे आने वाले 100 दिनों तक। उस टाइप की तैयारी आपको करना पड़ेगी, तब जाकर आप काम कर सकते हैं यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा स्कोप है। एडसेंस नहीं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे और रास्ते खुल जाते हैं यूट्यूब पर, आपकी कम्युनिटी है, आपका चैनल है, तो वहाँ से अर्निंग करने पड़ते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग, इसको मैंने 5वें नंबर पर इसलिए रखा क्योंकि बहुत शुरू में रख देते तो भाई बोलते हैं कि भाई तुम एफिलिएट मार्केटिंग ही प्रमोट किया करते हो। मेरी खुद की जर्नी एफिलिएट मार्केटिंग से ही चालू हुई है और मुझे लगता है कि इससे आसान बिजनेस कुछ नहीं है। अगर आपके पास कम्युनिटी भी नहीं है, आपके पास ऑडियंस भी नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास पैसा भी नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, कुछ अमाउंट जो इन्वेस्ट करके आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग बहुत बढ़िया ऑप्शन बन जाता है। आप 2-3 घंटा 4 घंटा, मैं ऐसा नहीं बोलूँ टाइम नहीं देता हूँ, आप जितना टाइम फ़ोन यूज़ करते हैं, आप फ़ोन इजीली, आम आदमी आज के टाइम पे कम से कम 7-8 घंटे, ज़्यादा बोल दिए, 4 घंटे तो इजीली यूज़ करता है। अब वो 4 घंटे में वो बिजनेस कर सकता है, क्यों यूट्यूब की वीडियोज़ देखते हो, क्यों रील देखते हो, वो टाइम पे काम कर लो ना। तो एफिलिएट मार्केटिंग इसलिए बहुत बढ़िया ऑप्शन बन जाता है। और अगर ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया भी जा रहा हो कैसे ग्रो होना है,
कैसे बिजनेस में आग लगा देना आगे, टॉप अर्नर कैसे बनना है बिजनेस में, तो आपको सोचो कितनी बड़ी हेल्प हो जाती है। जीरो नॉलेज है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, अगर आपको सिखाने वाला मिल जाता है ना तो आप बहुत ग्रो कर जाते हो। अरे यार जो सिखा रहा है उसने अगर 50 लाख अर्न किए हैं, आपने वो उसी की चीज़ों को कॉपी कर लिया, तो उससे वो टाइम में या फिर उससे कम टाइम में आप उसका आधा तो कर लोगे, उसकी आधी चीज़ों को फॉलो करना तो आधा तो कर लोगे, 25 लाख तो अर्न कर लोगे। इस टाइप का माइंडसेट लेके आना, और मेहनत तो हर जगह करना पड़ती है, जॉब में भी लगती है, बिजनेस में भी लगती है। ये ऑनलाइन इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत नहीं लगेगी, अगर आपके शरीर में भी मेहनत नहीं है तो काम करने का कोई मतलब नहीं। ये बिजनेस यहाँ पे भी मेहनत लगेगी, पहले क्लियर कर दूँ मैं। तो ये 5 चीज़ें थी जहाँ से आप अर्निंग कर सकते हो एज ए स्टूडेंट। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।